सो हे गाइस, माय नेम इज आशीष, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने घर पे मजे कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, मैंने थोड़े दिनों पहले एक ड्राइंग बनाई थी ट्रिगर्ड इंसान की, पेंसिल पोर्ट्रेट स्केच वाटर कलर पेपर में। तो गाइस, वो आप सभी लोगों को ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद आई थी एंड मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करी थी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, काफी ज्यादा मेहनत लगी थी मुझे वो वीडियो बनाने में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से डिलीट हो गई थी। तो मेरा उस टाइम बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था गाइस की इतनी मेहनत से मैंने ड्राइंग बनाई है एंड वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो अभी गाइस मैंने सोचा कि जैसे कि मैंने ट्रिगर्ड इंसान की ड्राइंग करी थी वाटर कलर पेपर में, उसी तरह मैं एक और पोर्ट्रेट बनाऊंगा किसी और का, देखते कि कैसी ड्राइंग बनाता हूँ। बाकी मैं उन वाटर कलर पेपर में ही ड्राइंग करूंगा रियलिस्टिक पेंसिल पोर्ट्रेट स्केच एंड आप देखना कि किस तरीके से मैं एकदम इजीली ड्राइंग कर पाता हूँ। एंड आपने मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट में देखा ही होगा कि वो गाइस कितनी अच्छी ड्राइंग बन पाई है वाटर कलर पेपर में, कितनी अच्छी सी ब्लेंडिंग हो पाई है एंड कितनी अच्छी तरह शेडिंग हो पा रही है। तो आप देखना मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो हर बार की तरह गाइस मैं इसी वाटर कलर पेपर का यूज करूंगा जो कि है जैन संगम का आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर, जो कि इसकी क्वालिटी गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं हर बार इसी में ड्राइंग करता हूँ, जब भी मैं वाटर कलर पेंटिंग करता हूँ आपने देखा होगा। तो आज हम करेंगे पेंसिल स्केच, तो देखते हैं कि कैसी ड्रॉइंग बन पाती है। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रिगर्ड इंसान की ड्राइंग गाइस ये रही, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो। इसमें गाइस शेडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो पा रही है। आपको पेपर का टेक्सचर दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट डॉट है, तो कुछ ऐसा ही टेक्सचर होता है एक वाटर कलर पेपर में। एंड इसकी क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो होप करता हूँ कि जितनी अच्छी ड्राइंग इस पेपर में पहली बार बनी थी उतनी अच्छी फिर से ड्राइंग बन पाए। तो मटेरियल्स मेरे पूरे रेडी है, फेबर कास्टल 9000 पेंसिल आज मैं यूज़ करूंगा इस ड्राइंग में। सो ब्लेंडिंग करने के लिए गाइस मैं यूज़ करूंगा ब्रश का पेंट ब्रश, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया टूल लगता है ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अब जल्दी से पेंसिल को शॉर्प करता हूँ एंड फिर ड्राइंग करते हैं। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आज विक्की कौशल सर की, तो आप देख सकते हो मैंने इसकी पूरी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसकी ड्राइंग करते हैं पूरी। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको कहा था कि इस वाटर कलर पेपर में हमें पेंसिल शेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था ट्रिगर्ड इंसान की ड्राइंग में कितनी अच्छी तरीके से शेडिंग स्मूथली हुई थी। तो आई होप कि इस बारी भी एकदम स्मूथली शेडिंग होगी। इस पोर्ट्रेट को मैं शुरू करूँगा थोड़ी लाइट सी शेडिंग करके, लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा लाइट टू डार्क, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ एंड इससे काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है।